तो एवरीवन, ये मेरा एक और लेक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल कुछ स्पेशल केसेस की, जहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास मतलब कायरलिटी हो मॉलिक्यूल में, लेकिन उसमें कायरल सेंटर ही ना हो। ये बड़ा ही पर थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन के लिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं एलियंस। तो एलियंस क्या होते हैं ना, एलियंस इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि कार्बन कार्बन कार्बन। तो जब इस ग्रुप पे CH3 या CH3 कुछ इस तरीके से अटैच हो जाए, या एच अटैच हो जाए और यहाँ पे भी एक CH3 अटैच हो जाए, तो ये इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल को ना बेंड, मतलब ये फिक्स्ड, ये ना मतलब ऐसे नहीं है। आप इसको अगर व्यू करना चाहेंगे तो ये समथिंग लाइक दिस है, मतलब ऐसे और ये ऐसे। तो मतलब ये प्लेन में नहीं है। ये देखिए, ये एक अलग प्लेन को डिनोट कर रहा है ये वाला सिस्टम, और ये वाला इसको एक अलग प्लेन को डिनोट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे अगर ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे एक प्लेन है और एक इस तरीके का प्लेन है, ठीक है। और अगर एक्सिस डिनोट करें तो ये तो इन द प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये इन प्लेन है। तो इस तरह की सिस्टम्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर बाय डिफॉल्ट कायरलिटी होती है। तो जिस तरह से ग्रुप इस सिस्टम में नहीं होगी, अगर सस्ट मतलब इस तरह का सिस्टम्स होगा, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होंगे, तब तो नहीं पॉसिबल है, तब रोटेशंस का कोई मतलब नहीं बैठता है। लेकिन अगर इसी सिस्टम में यहाँ पर अगर CH3 अटैच कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे CH3, तो इसमें भी RS कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल होती हैं। जब आप MSc में जाओगे तो एक बुक होती है PS कलसी। PS कलसी में इस चीज़ के बारे में बहुत साफ साफ बताया गया है कि ये रेस्ट्रिक्शन जो मॉलिक्यूल है इन प्लेन में नहीं रहता, और इसी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इसमें RS कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। मतलब ये क्या बोल सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव है इनका कंपाउंड, ये भी दो प्लस माइनस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल है बाइफिनाइल। देखो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग है इसमें भी, इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ थिंग है, बट इसमें क्या है कि ये जो डबल कार्बन जैसे बाइफिनाइल्स होते हैं, ये क्या है, ये एक फिनाइल है, ये भी एक फिनाइल है। तो ये जो बाइफिनाइल्स होते हैं, तो से कलर वाला अच्छा लगता है। तो बाइफिनाइल जो होते हैं वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन रहता है, यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये बॉन्ड इतनी फ्रीली मूव करता है कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ एक बल्किंग ग्रुप लगाते समथिंग लाइक ब्रोमो ब्रोमीन, तो इसका फ्लो रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये इसमें भी प्लस माइनस पॉसिबल होता है, और इसकी जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या मतलब कार्बन कार्बन मतलब स्टीरोजेनिक मतलब कायरलिटी होने के लिए स्टीरोजेनिटी होना जरूरी है, तो नहीं जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। बाइफिनाइट जो है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, और एलिस जो है उसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है, जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा सा अलग कुछ करेंगे, छोटा सा टॉपिक था बस बताने के लिए कि जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल्स में कार्बन चारों मतलब सिर्फ टेट्राहेड्रल कार्बन हो तो ही ये पॉसिबल है। बाइफिनाइल्स और एलीन्स में ऐसा पॉसिबल होता है, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम जैसे जैसे हायर लेवल पे जा रहे हैं, वैसे वैसे हम समझ पा रहे हैं। तो आई होप कि ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आए और आप हमारे चैनल को देखते रहें।